क्या आपको पता है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक एक्सोप्लैनेट की खोज की है जिसका नाम TOI 1231b है और यह लगभग 90 प्रकाश वर्षों की दूरी पर स्थित है। इस ग्रह की रोचक बात यह है कि यह पृथ्वी से लगभग 1.2x बड़ा है और यह अपनी स्टार के ऑर्बिट के हैबिटेबल जोन में परिक्रमण करता है, जिसके कारण इसकी सतह पर लिक्विड वाटर की संभावना हो सकती है। क्या आपको पता था? कमेंट में जरूर बताएं और फॉलो जरूर करें। क्या आपको पता है, अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस ने उनकी खुद की कंपनी ब्लू ओरिजिन के बनाए हुए स्पेसशिप में सफलतापूर्वक यात्रा की थी, जिसमें वह थोड़ी देर के लिए अंतरिक्ष में गए थे। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष यात्रा लगभग 11 मिनट और 4 सेकंड तक चली थी। क्या आपको यह पता था? कृपया कमेंट में बताएं और हमें फॉलो जरूर करें। 1977 में प्रारंभिक रूप से शुरू होकर वॉयजर 1 ने नीले ग्रह नेपच्यून और अन्य बड़े ग्रहों की खोज की। यह इंटरस्टेलर कम्युनिकेटर उपकरण भी था जिसने पृथ्वी से संवाद किया और गहरे अंतरिक्ष में जाने की क्षमता दिखाई। 2012 में वॉयजर 1 ने पहली बार प्लूटो की तस्वीर भेजी, जिससे हमें उसके आदर्श दुनिया का एक नया पहलू दिखा। वॉयजर 1 ने हमें ब्रह्मांड की अनजानी दुनियाओं का अनुभव कराया। जैसे समय गुजर रहा है, वॉयजर 1 हमसे दूर जा रहा है और एक दिन इससे हमारा संपर्क टूट जाएगा और यह ब्रह्मांड में अपने अकेले सफर पर निकल जाएगा। क्या आपको पता है, जुपिटर पर एक बड़ा सा स्पॉट दिखता है, वह असल में क्या है? असल में वह एक विशाल तूफान है जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। यह इतना बड़ा है कि इसके अंदर लगभग 3 धरती समा सकती है। वैज्ञानिक अब तक इस पर अध्ययन कर रहे हैं ताकि इसकी लंबी एग्जिस्टेंस और इसके मौजूद होने के पीछे के कारण का पता चल सके। क्या आपको पता था? कॉमेंट में जरूर बताए और फॉलो जरूर से करें। 1977 में प्रारंभिक रूप से शुरू होकर वॉयजर 1 ने नीले ग्रह नेपच्यून और अन्य बड़े ग्रहों की खोज की। यह इंटरस्टेलर कम्युनिकेटर उपकरण भी था जिसने पृथ्वी से संवाद किया और गहरे अंतरिक्ष में जाने की क्षमता दिखाई। 2012 में वॉयजर 1 ने पहली बार प्लूटो की तस्वीर भेजी, जिससे हमें उसके आदर्श दुनिया का एक नया पहलू दिखा। वॉयजर 1 ने हमें ब्रह्मांड की अनजानी दुनियाओं का अनुभव कराया। जैसे समय गुजर रहा है, वॉयजर 1 हमसे दूर जा रहा है और एक दिन इससे हमारा संपर्क टूट जाएगा और यह ब्रह्मांड में अपने अकेले सफर पर निकल जाएगा।